हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो आए तो जल्दी अपडेट मिल जाए। और वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें दोस्तों, एकदम दबा के लाइक करें। दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। 24 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो हम लोग गुरु रहमान सर का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है उसको देखने वाले हैं। आज मॉडल पेपर नंबर 2 देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग भी लगाइए और जितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि एनालिसिस अच्छे से किया जा सके बहुत सारे लड़कों में कि आपका कितना रैंक है क्या है। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट दोस्तों, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, मोटिवेशनल कोट, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, यानी जो दोस्त मेहनत करेगा उसको जल्द से जल्द फल मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग मेहनत करते हैं और बस कुछ नहीं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं आज दोस्तों। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्तों, विद्यासागर प्रकाशन गुरु रहमान सर का। तो गुरु रहमान सर को पहले नमस्कार है और उनका आज मॉडल सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल, इसका आंसर होगा सी दोस्तों, वैलेंटाइन सिरोल। लॉर्ड कर्जन जो 1905 में था दोस्तों, गवर्नर जनरल भारत का, वैलेंटाइन सिरोल बाल गंगाधर तिलक को कहा था। इन्होंने गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव का आयोजन किया था कब? 1893 में दोस्तों। इन्हें केसरी भी कहा जाता है, केसरी की उपाधि और धारण किए थे। एक पुस्तक लिखे थे कौन? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन जानवर है? तो ज्वाइंट पांडा WWF, इसका आंसर 2 होगा दोस्तों, ज्वाइंट पांडा। WWF की स्थापना कब हुआ था? 1961 में दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ज्वाइंट पांडा की संख्या अभी तक कितने है विश्व भर में? तो 1600 है दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा। संविधान, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? 226 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय क्या 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो मरकरी यानी पारा, HG पारा का होता है, मरकरी का HG, इसका परमाणु संख्या 80 होता है। मिनीमाता रोग, ये जापान में पहली बार हुआ था मिनीमाता शहर में, इसलिए इसका नाम मिनीमाता पड़ गया। इटाई कैडमियम्स होता है, ब्लैक फूड। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था किस, तो इसका आंसर क्या होगा? तब बंद अर्थव्यवस्था जिसके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय परिवहन न हो, का कोई साधन न हो, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती, जिसके पास कोई तट रेखा न हो, जो संयुक्त राष्ट्र की सदस्य न हो, तो इन चारों में कौन होगा? तो इसका आंसर 2 होगा दोस्तों, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती। मैंने बंद अर्थव्यवस्था का मतलब जिसका आयात और निर्यात बंद हो चुका हो, न उसका उससे आयात होता हो उस देश में और न ही निर्यात होता हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नीचे 4 वाक्यों में त्रुटिपूर्ण वाक्य छाड़कर उन्हें चिन्हित करें। तो क्वेश्चन नंबर छः का आंसर 4 होगा दोस्तों, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, इसका आंसर 4 होगा, ये वाक्य सही है, बाकी सब त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, मुंह से फूल झड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या क्या दिया है? मुंह से फूल झड़ना यानी मुंह से सुगंध आना, मीठा बोलना, असंभव कार्य करना, एक ऑप्शन छूट गया। तो इसका आंसर सी, यानी मुंह से फूल झड़ना यानी मीठा बोलना ना,
मीठा बोलना होगा आंसर दोस्तों इसका सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सियाचिन हिमनद स्थित है, तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर है, काराकोरम श्रेणी के पास स्थित है दोस्तों। काराकोरम श्रेणी जो ट्रांस हिमालय के भाग है, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, और उसमें एक ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय के भाग है काराकोरम श्रेणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक 4 फेराडे होता है दोस्तों। वाट हो गया विद्युत शक्ति या शक्ति का एसआई मात्रक, वोल्ट हो गया विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक, और कूलम्ब हो गया विद्युत, विद्युत आवेश, आवेश का एसआई मात्रक। तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों, फेराडे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पेनिसिलियम उदाहरण है, पेनिसिलियम उदाहरण है कवक का, कवक इस पेनिसिलियम की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक था, वह कवक से पेनिसिलियम को निकाला था। लाइकेन कवक और सवाल का संयुक्त मिश्रण को लाइकेन कहते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था किसके दरबार में, देवराय फर्स्ट के राज्यकाल में, देवराय सेकेंड के राज्यकाल में, कृष्ण देवराय के राज्यकाल में, तो इसका आंसर 11 का आंसर 2, देवराज सिंह सेकेंड के राज्यकाल में आया था दोस्तों अब्दुल रजाक विजयनगर, जो एक फारसी था, फारसी राजदूत था अब्दुल रजाक। देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था इटली के निकोलो काउंटी, कौन आया था, इटली के निकोलो काउंटी, देवराय फर्स्ट के राज्यकाल में आया था विजयनगर साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी होती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, तो 180 डिग्री देशांतर होती है, इसका आंसर 4 होगा दोस्तों, 12 का आंसर 4, 180 डिग्री देशांतर, जो इंग्लैंड से, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा हो गया दोस्तों, यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में मध्य प्रांत महासागर से होकर गुजरती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हल्दी के पौधे को का खाने लायक हिस्सा कौन सा है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है, तो हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकौन, जिसको ताना कहते हैं, ताना कौन कौन होता है दोस्तों, तो ताना में कौन कौन आता है, तो हल्दी अदरक आलू केसर प्याज और लहसुन। इसका एक ट्रिक बता दे रहे हैं दोस्तों, तनी तनी से ताना हो गया, हकला से हल्दी, क से केसर, ल से लहसुन, अ से अदरक, अ से आलू, ज से प्याज, जो अंतिम आ रहा है, तो प्रकरण ताना का भाग हो गया, तो इसका 13 का आंसर 2 होगा प्रकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हिंदी साहित्य में किसने सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, हिंदी साहित्य में कह रहा है तो दोस्तों, तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत को मिला था, कब, तो हिंदी साहित्य में 1968 में पुरस्कार मिला था इनको, 1968 में सबसे पहले, और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको सबसे पहले मिला था, तो जी शंकर कुरूप को मिला था दोस्तों सबसे, मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा था, इनके कृति है आड़ा कुजाई, जी शंकर कुरूप की कृति है दोस्तों। और सुमित्रानंद पंत की कौन सी कृति है, तो चिदंबरा कृति के कारण इनको मिला था चिदंबरा, तो इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। अब दूसरा पूछ देगा, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नहीं, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में, तो रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी पुस्तक के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। तो क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 15, प्रोड्यूसर गैस में कौन सा गैस का मिश्रण, तो प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है, कौन सी गैस की, प्रोड्यूसर गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और फास्फोरस, कार्बन हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, तो इसका आंसर 1 होगा दोस्तों, कौन होगा, 1 होगा दोस्तों, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसर गैस का 4 होगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस CO+N2, यानी इसको याद नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको प्रोड्यूसर को नो रिड्यूसर, नो से नाइट्रोजन से याद आ जाएगा कि नाइट्रोजन रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए, वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप है पानी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई थी और उन्होंने प्रश्न कहाँ सीखी? तो पटना में। इनका जन्म भी पटना में हुआ था दोस्तों, और शिक्षा भी पटना में हुआ था और प्रश्न भी पटना में सीखा था। इन्होंने खालसा पंथ का 10वें गुरु थे और खालसा पंथ की स्थापना किया था दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेटजम। स्ट्रेटजम का विपरीत, एंटोनिम्स में विपरीत थार्थक शब्द, तो इसका ए हो जाएगा फ्रेंकनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है दोस्तों, तो द ट्यूटर सेज, ये नाइरेशन है दोस्तों, नाइरेशन आप लोग पढ़े होंगे 9-10 है, तो नाइरेशन दोस्तों। तो द ट्यूटर सेड द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब टीचर बता रहा है कि सन पूरब में उगता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में सिर्फ डेट लगाकर दोनों वाक्य को जोड़ दिया जाता है, तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। 4, द ट्यूटर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम को लिखे थे जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, वो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे आनंद मठ में वंदे मातरम, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष किए थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सी, ए नहीं, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला है जो दोस्तों, जो ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है दोस्तों, कैलाश पर्वत भी सिंधु नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ओटेक का पूरा रूप क्या है? ओटेक, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ओटेक, तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन, इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों, दो तार हैं, एक तार इधर और एक तार इधर, इसको जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और इस तरह इंट देते हैं हम लोग, तो संयोजन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका आंसर 2 होगा। NaHCO3 बाई तक है, यानी इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं दोस्तों। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको नमक बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होता है इसका, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है इसका सूत्र, जिसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 तो मैं तो दोस्तों इसको बाद में देखा जाएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, 25 का आंसर 3 पाई ए भी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 भी मैं थे तो इसको बाद में देखा जाएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा बना रहा है दोस्तों, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर भी बता दे रहे हैं सी, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? कॉर्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? तो महिलाओं का यह गर्भावस्था को नियंत्रण करता है, यानी बनाए रखता है कि गर्भावस्था खराब ना हो, तो यह क्या हो गया? पोजिस्ट्रोन हार्मोन से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये दोस्तों होता है पुरुषों में, जो पुरुष के टेस्टिस से निकलता है, और एस्ट्रोजन में महिलाओं का ही हार्मोन है, और रुधिरोन का हम लोग विभिन्न रक्त में पाया जाता है जो रक्त को लाल करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पोजिस्ट्रोन 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी, 1998। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 1998 सी। निम्नलिखित में कौन सा गुण गलत है? तो आइसोहाइट, 29 का आंसर। आइसोहाइट से क्या मापा जाता है? वर्षा दोस्तों, आइसोहाइट वर्षा, ये गलत है दोस्तों, यानी इसका आंसर ए ही हो जाएगा। आइसोबार दाब सही है, आइसोहेल सूर्य प्रकाश सही है, आइसोथर्म तापमान सही है, ये तीनों सही है, और उसके बाद गुण गलत है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों, 29 का एक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है?
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह की मानव अधिकारों को लड़ने की बात बताती है। तो इसमें मैं मानवाधिकार यानी पर्यावरण संरक्षण इंटरनेशनल पर्यावरण संरक्षण का आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो इसका आंसर होगा 4, जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे। कांग्रेस की तरफ से एक बार महात्मा गांधी भाग लिए थे बस। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में दे देगा कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य 84 रुपये है तथा लाभ 20% हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो 84, तो इसका बना देते हैं दोस्तों, ये छोटा सा है, तो 84/120, 20% लाभ है तो 100 रुपये हो जाएगा, तो 120/100 का मान निकाल दीजिए, तो बढ़ जाते 84 यानी, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो 70%, 0 तो 70%, इसका आंसर एक होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, यदि कक्षा एक में 40 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है और कक्षा दो में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है तो सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप लोग बनाइए दोस्तों, और इसका आंसर जल्द ही हम बना रहे हैं। तो 40 × 10 कर दीजिए यानी 40 × 10 यानी 400 हो जाएगा, और 30 × 12 छात्रों तो बढ़ती है 36, 360 हो गया, तो 400 × 360 जोड़ दीजिए 776। अब कितने छात्र हैं? तो 40 छात्र 30 छात्र, कितने हो गए? 70 छात्र, तो इसको भाग मारिए, इसका आंसर आ जाएगा 33 का आंसर। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4, 10, 10, 8, 5, 7 आ रहा है भाग करने पर, तो इसका आंसर 4 होगा 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा इसमें सही है? तो कवास गुजरात सही है दोस्तों, इसका आंसर 4 होगा। कोरबा, कोरबा कहाँ है दोस्तों? तो बता रहे हैं दोस्तों, कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दोस्तों, रामकुंडम आंध्र प्रदेश में है, और तलचर, तलचर कहाँ है? उड़ीसा में, तलचर उड़ीसा में, रामकुंडम आंध्र प्रदेश, और कोरबा छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, तो इसका आंसर कवास गुजरात 4 सही है। ये सब गलत दिया है दोस्तों, इसमें सही चुनने को बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी मदे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है कौन सी? तो समवर्ती सूची में कौन से जो संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सके वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सूची कितने हैं? 3 हैं, कॉमन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर संघ सूची का केवल कानून बना सकता है, और राज्य सूची पर राज्य सूची राज्य केवल बना सकता है, और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। तो इसमें कौन आएगा? तो मजदूर, मजदूर पर दोनों बना सकते हैं कानून, इसी समर्थित सूची का अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 2, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, लाइपेज एंजाइम है दोस्तों जो वसी फैट को लिपिड में बदल देता है, लिपिड यानी वसीय अम्ल बदलता है ग्लिसरॉल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, सुमेलित करना है सही उर्वस्थी ब्रेस्टबोन जेत्रु कोलर बोन और नी कैप स्कंद फलक, तो इसका इधर दिया है, मिलाते हैं दोस्तों, तो केविकल, केविकल, केविकल दिया है, पटेला दिया है, स्कुलर स्टेनम दिया है, तो पटेला होगा जो वो जांग पैर का, पैर होता है दोस्तों, पैर का इसको जो घुटनवा होता है ना उसी को पटेला बोलते हैं। तो इसका 2 का क्या होगा? ऊपर नीचे इसको करना पड़ रहा है दोस्तों। नी कैप, नी कैप क्या हो जाएगा? पटेला यानी 2, 3 का 2 हो जाएगा। कॉलर बोन केविकल होता है, केविकल जो कॉलरों पर इस तरह हड्डियाँ निकलना रहता है गर्दनवा के पास, उसको केविकल बोलते हैं, केविकल। उरोस्थी ब्रेस्ट बोन क्या होता है? अस्टर्नम, इस तरह, तो इस तरह छाती से होता है, और यहाँ पे जो हड्डी होता है इस तरह जुड़ा होता है, इसको ही अस्टर्नम बोल जाता है, अस्टर्नम दोस्तों, अस्टर्नम, ये जो आगे वाला हड्डिया होता है, यहाँ से जुड़ कर सब हड्डी जाता है पीछे वाला से,
तो इसको बोलते हैं स्टेरनम, और स्कन को स्केपुला बोला जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा डी, डी मिल रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। रिस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेज है, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, तो पीजेंट। 39 का एक पीजेंट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द ड्रेस वुड बी अरेंज्ड बाय अनीता, तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म बताना है, तो अनीता बाई के बाद आया है, तो अनीता कर्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय को कालकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करने का, तो किसके कालकाल में, तो 41 का आंसर दो दोस्तों, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, जो लॉर्ड लिटन था वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था जो रिपन समाप्त कर दिया था, मेयो के कार्यकाल में हुआ था 1872 में पहली जनगणना, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में हुआ था दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था दोस्तों, किसके काल में, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं होते हैं दोस्तों, छिपकली में जो सिक्त रक्त है नहीं होते हैं। गुरुजल किसको कहा जाता है, कौन किसका मिश्रण, गुरुजल यानी भारी जल आपको समय आप बना देंगे, तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, यानी ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन को, तो 43 का आंसर एक होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दो, 343 भाषा 343 के तहत दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 15y³ - 3y² + 12y - 12 को 3y² से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो इससे इसको विभाजित किया जाएगा दोस्तों, तो इसको लंबा चौड़ा होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। 45 का आंसर 4 दोस्तों, 12 आएगा, एकदम सही है दोस्तों। इसको ऐसे आप लोग भागा दिए होंगे, इसको मैं 15y³ - 30y² इस तरह कह के, और यहाँ 3y - 6 कर दीजिए, तो पचती 15y² से, तो ये तो 15y³ कट जाएगा, इसमें माइनस प्लस कर आ जाता है, शेष 12 आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। दोनों का एस जब 16 है और उनका अंतर 16 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो एस जब 16 और अंतर 16। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। दो संख्याओं का एसएफ 16 तथा उनका अंतर 16 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका एक 16 × 64 16 × 85 और अंतर भी 16 से आ जाए, तो इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। आद्रा निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आद्रता मापने के लिए किया जाता है, तो आद्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो 48 का आंसर सी, 38वीं समानांतर रेखा को क्या कहते हैं, उत्तर कोरिया। रेडिकल प्रेरक क्या है, भारत पाकिस्तान को बढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, रेडिकल रेखा कहते हैं। 39वीं समानांतर रेखा यूएसए यानी अमेरिका कनाडा को बढ़ता है, अमेरिका और कनाडा। और 17वीं उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 17वीं, 38वीं उत्तरी दक्षिणी कोरिया और 49वीं यूएसए कनाडा, रेडिकल भारत पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी ग्रहण यानी ग्रहण लगता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी तो कब आता है, चंद्र ग्रहण है दोस्तों, तो 49 का आंसर एक हो, चंद्र ग्रहण होता ही नहीं है, सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण में जो चंद्रमा आ जाएगा, तो हम लोग से जैसे ये सूर्य हो गया दोस्तों, इसको समझा दे रहे हैं, अच्छा ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, बौद्ध धर्म करने वाली, तो इसका आंसर 50 का सी, महामती
महाप्रजापति, महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 51 देते हैं, निश्चित ताप पर किस गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। क्वेश्चन नंबर 51, तो यह नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर निश्चित ताप पर, तो ताप क्या होता है बी टी, यानी बॉयल का नियम हो जाएगा दोस्तों। 51 का 2 बॉयल का नियम, यानी इसको याद कर लिए बी टी, यानी ताप नियम है तो ताप नियत है तो बी टी यानी बॉयल का नियम। सी भी यानी वॉल्यूम आयतन नियत है तो चार्ल्स का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ई फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट्स वर्ड, यानी ईच डे द प्राइस ऑफ द गोल्ड विल ऑन द मार्केट। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर 1 फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट। क्वेश्चन नंबर 53, ए एजुकेशन नीड टू इंक्लूड रीडिंग राइटिंग मैथ एंड वैरायटी ऑफ द अदर सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर 2 फंडामेंटल। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होती है, तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय 54 का आंसर 2 प्रश्नकाल का दोस्तों, प्रश्नकाल का होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55, एक समकोण त्रिभुज की कोण 2 सेंटीमीटर अधिक लंब से और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, आधार की लंबाई क्या होगी। तो इसका आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं दोस्तों, 55 आप लोग बनाइए, समझ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ये 6 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, यदि ऋणों पर ब्याज की रकम ₹2.45 करोड़ है तो जेटा इनोवेटिव सर्विस विज्ञापन को खर्च विकास पर खर्च की कुल रकम कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर सी 4.2 करोड़ सी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर सी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे दोस्तों, जिन्होंने 1864 में ICS की परीक्षा पर 1864 में परीक्षा सफलता प्राप्त की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, कराधान के अधिनियमों कैनन टेक्सेक्स का प्रवर्तक कौन है। कराधान के अधिनियमों किसका प्रतिपादन किया, कौन प्रतिपादन किया। 58 नंबर का आंसर एडम स्मिथ 2। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां उदाहरण है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां उदाहरण है। तो 59 का एक पूर्ववर्ती अपवाद की। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों, भारत के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहले भारतीय कौन था। तो फिरोज शाह तुगलक, बहुत अच्छा था दोस्तों, अच्छा क्या बोला जाए, लेकिन दान देता था और खैराज ये सब करता था, तो फिरोज शाह तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, कैलाश सुमेलित करना, कैलाशनाथ भुवनेश्वर लिंगेर खजुराव कंदरिया माउंट अबू दिलवाड़ा कांचीपुरम, तो ये सब कहाँ है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 61 का मिलाप करते हैं, तो इसका आंसर 2 यानी कैलाशनाथ, पहले इसको मिलाप करते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 दिया है दोस्तों, ठीक है। कैलाशनाथ कहाँ है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, लिंगराज, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो 2 का 1 दिया है दोस्तों, चलिए इससे 2 हो जाएगा और बाकी सब 1 का 4 कैलाशनाथ कांचीपुरम और 3 का 2 कंदरिया खजुराहो मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, विश्व इक्विनॉक्स विश्व वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे विश्व कहते हैं, कब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ए 21 मार्च से 23 सितंबर 21 मार्च से 23 नंबर विश्व का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 63 आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो यूरी गागरिन कब अंतरिक्ष यात्रा की थी, तो सी 64 का सी 1961 दोस्तों।
65 देखते हैं, भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में आया था? डाक टिकट तलाल डलहौजी के शासनकाल में, जो डाक टिकट 1854 है दोस्तों, और 1853 में रेल गाड़ी की शुरुआत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर ए, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, ट्रांसलेट इनटू गिवन, हमने इसको ट्रांसलेशन बनाना है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो वी मस्ट ओबेड आवर पेरेंट्स, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड फॉलो आवर पेरेंट्स, आज्ञा माननी चाहिए, तो वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। 67 का आंसर दू होगा दोस्तों, दू। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, प्लीज सिट डाउन का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, प्लीज इसमें आ जाएगा तो उसका पैसिव वॉइस में रिक्वेस्टेड इतना लगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन का आंसर सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या दिया है, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकालीन की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा सी, सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया, तो क्वेश्चन नंबर, तो इसका ज्योति रोती है, ज्योति रोती है, ज्योति रोती है कर्मक क्रिया है, वाक्य में कर्मक क्रिया का उदाहरण है ये ज्योति रोती है। जिस वाक्य में कर्म न हो या कर्म का की संभावना भी न हो, यानी अकर्मक, यानी कर्म ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक, और सकर्मक जिसमें कर्म हो। 71 पेड़ से पत्ता गिरा या पेड़ से में कारक क्या है? तो आपादान, आपादान दोस्तों। अगर आप लोग व्याकरण में कुछ गलती कर रहे हैं तो व्याकरण हम पूरा पढ़ा दिए हैं दोस्तों, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, व्याकरण का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या जाकर सर्च करके चैनल का नाम सर्च करके जाकर देख सकते हैं दोस्तों व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 72, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन वॉल्यूम क्या होगा? तो 72 का आंसर 4, पहले घटता है तब बढ़ता है, क्योंकि 4 डिग्री पर अधिकतम होता है आयतन। 73, प्रकाश तरंगों की आयु में कांच में जाने पर जो वेरियस प्रभावित होता है वो है, तो क्या क्या प्रभावित होता है? तो तरंग दैर्ध्य प्रभावित होता है और वेग प्रभावित होता है, आवृत्ति कभी नहीं प्रभावित होती है। तो इसका आंसर 4 होगा, इसमें आवृत्ति है नहीं होगा, इसमें आवृत्ति, इसमें आवृत्ति, तो इसका आंसर 4 होगा, 73 का 4। क्वेश्चन नंबर 74, प्रछन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है प्रछन्न बेरोजगारिता का, तो 74 का आंसर सी, श्रमिक की समांत उत्पादकता 0 है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई? इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई किसने? तो 75 का आंसर भिकाजी कामारास बेरी बोस या मदन लाल ढिंगरा या श्याम जी वर्मा, तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा। शिकारी देवी पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। दुधवा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में, तो पाइरुविक अम्ल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, सुमिलित करना है दोस्तों, तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले आत्मसम्मान अखिल भारतीय दलित हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी अखिल भारतीय, इसका आंसर देखते हैं, 78 का आंसर देखते हैं दोस्तों, बताते हैं एक, चलिए क्वेश्चन 79 देखते हैं, लोकहित मुकदमे यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जिसको बोलते हैं, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, कट जा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर सी, यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 80, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर दू, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं दोस्तों, चूज द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, साइनोनिम्स बताना है, अच्छा वर्ड नीचे दिया है, टू एडमोनिस, तो एडमोनिस का बनाया, तो 81 का आंसर
रिप्रीमेंड, टू रिप्रीमेंड यानी ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं दोस्तों। कट रहा है दोस्तों थोड़ा थोड़ा, चलिए अच्छा इसको एडजस्ट कीजिए। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट ऑफ द राइट, इसका करेक्ट में करना है दोस्तों। इंडिपेंडेंट ऑफ द राइट्स ए डू नॉट इंक्लूड द एस्टेब्लिश्ड मेन पीरियड इन करेंट इंडिया, तो 82 का आंसर ए डी सी बी ए, तो डी कहाँ है तो द करेंट इंडियन, फिर सी, सी कहाँ है तो एस्टेब्लिश्ड प्रश्न, तो बी डू नॉट इंक्लूड द इंडिपेंडेंट ऑफ राइट्स ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। बाघ परियोजना कब आया था, तो 1973 में दोस्तों, एक हो जाएगा। सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है, सीसा युक्त में, तो 84 का आंसर चार होगा दोस्तों, टेट्रा इथाइल लेड। क्वेश्चन नंबर 85, पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न पंचायती राज को, तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था प्रथम, पूछ रहा है तो दू हो जाएगा आंसर। अमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति पुरस्कार कब जीता था, अमनेस्टी इंटरनेशनल, 86 का आंसर दो, 1977 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, चंगेज खां किसके अधीन मंगोल, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो चार अरावली हिमालय, अरावली हिमालय नवीन बलित पर्वत है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, सोडियम क्लोराइड का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड का नाम NaCl होता है दोस्तों, जिसको नमक बोलते हैं, इसमें कौन बंध होता है, तो इसमें 89 का आंसर बी, विद्युत संयोजी बंधन होता है, Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, तो विद्युत संयोजी वगैरह दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था, तो कांगो के, तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर चार, जायरे। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, इसको सम्मिलित करना है दोस्तों, सतलज, झेलम, कावेरी, नर्मदा, तो कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल बताना है, तो नर्मदा अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, सतलज राक्षस ताल से निकलती है दोस्तों, झेलम शेषनाग से निकलती है, झेलम शेषनाग से, और कावेरी ब्रह्मागिरी से, तो आप लोग मिला लीजिए इसका आंसर, 91 का आंसर कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 92 देखते हैं। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है, मानचित्र पर सागर की लवणता को, तो 92 का आंसर दो, आइसोहेलाइन द्वारा, आइसो लवणता को आइसोहेलाइन द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। दो थैले एबी के सफेद लाल, दो सफेद चार लाल तथा तीन सफेद, तीन गेंदे हैं, तीन लाल गेंदे हैं, दोनों थैलों में एक को यादृच्छा चुना जाता है, उनमें से एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है, यदि चुना गया गेंद सफेद रंग का है तो प्रायिकता ज्ञात करें, एक थैलन का, एक थैला में से प्रायिकता ज्ञात करना है दोस्तों, तो 93 का आंसर दो होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में 94 देखते हैं। 94 का डायरेक्ट आंसर बता रहे दोस्तों ए, 94 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर 3 टी, बी बराबर 2। 95, पूर्ति और मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है, यह युक्ति किसकी है, पूर्ति और मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है, तो 95 का आंसर दो होगा, जे बी सी। सूर्योदय का देश किसको बोला जाता है, जहाँ सूर्योदय का देश किसको बोला जाता है, 96 का एक, नॉर्वे को। 97, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था, शिवाजी का, 97 का आंसर सी, कर्नाटक का अभियान। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसमें विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी जो खाटा होता है यानी संतरा में होगा, यानी चार होगा 98 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों, तो क्वेश्चन 99 का आंसर दो, फिल्म से, स्वर्ण कमल का फिल्म से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं दोस्तों। समय और कौन, समय
से कौन सा विशेषण बनेगा, तो समय से कौन सा विशेषण बनेगा, तो ए सामयिक, सामयिक बनेगा दोस्तों। इस तरह हम लोग दोस्तों एडिटोरिया का सॉरी विद्यासागर प्रकाशन का जो गुरु रहमान सर का है बुक मॉडल सेट नंबर 2 का 100 क्वेश्चन बिहार पुलिस का पूरा कर लिया है दोस्तों। तो आपका इसमें कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपको एनालिसिस कर बताएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को जल्द से जल्द करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, और ऐसे ऐसे वीडियो लाने के लिए वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।